वाईफाई डिसकनेक्ट कर देना सब जगह, ठीक है, कनेक्ट मत करना। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, और जहां भी हो सकता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का कौन सा चैप्टर, 10.5, कौन सा, 10.5 का, एक से लेकर के हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी जहां तक आपका हो सकता है वहां तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखिए, जितने लोग जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलो सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि यहां पर जितने लोग पढ़ने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आपका 10.5 का है इसमें हम कवर कर सकें, ठीक है। तो चलिए शेयर कीजिए सभी लोग। सभी काम देख रहे हैं, अभी आपके पास समय है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी आप जा करके इसे शेयर कर दीजिए। चलिए चलिए आप लोग शेयर कीजिए, तब तक हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आपका 10.5 है, आप अपना बुक खोल लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी लोगों को स्क्रीन पूरा दिख रहा है, विजुअल हो रहा है, तो इसमें देख लीजिएगा। अगर विजुअल नहीं हो रहा है स्क्रीन पूरा तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें दूसरे में देख रहे हैं तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर पढ़ो शांति से, ठीक है। चलो स्क्रीन पहले बता दो सभी लोग दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम दूसरे स्क्रीन में देख रहे हैं तो यहाँ पर बोर्ड आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर का पर पार्ट भी दिख रहा है। चलो हम फिर भी सही कर देते हैं, यहाँ से कैमरे को एडजस्ट कर देते हैं। चलो अब तो ठीक हो गया, हाँ अब तो ये ठीक हो गया। चलो ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 10.5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि आपका यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। क्या है, फिगर बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी शोरगुल हो रहा था तो कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर हम चैप्टर डालते हैं 10.5 क्लास नाइन्थ कौन सा, मैथ। शेयर कर दो भाई लोग, ज
जल्दी से शेयर कर दो जब तक हम आपके क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। कितनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और नेट को बचाए रखे हुए हैं। चलो ए यहाँ पर आपका, यह बी, यह सी और यह बिंदु आपका डी हो गया और यह बिंदु आपका ओ हो गया, ठीक। और यहाँ पर आपका यह जो है यह कितना है 60 अंश है और यह कितना है 30 अंश है। तो इसमें आपको बताना है ए डी सी यानी कोण ए डी सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा है, इसमें हम देखते हैं क्योंकि यहां पर आपको अच्छे से चलो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले में आपको क्या करना है कि आपको इस कोण का मान निकालना है यानी ए डी सी यानी यह कोण का मान निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पर लिख देते हैं ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको कोण ए डी सी इसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कोण बन रहा होगा कोण ए ओ सी, क्या है कोण ए ओ सी, यह आपका हो जाएगा ए ओ सी ए ओ बी, क्या हो जाएगा इस कोण को और इस कोण को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, इसका अगर हम मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा यह 60 दे रखा है 60 डिग्री और यह कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा कोण ए ओ सी यानी यह देखिए एक कोण आपका मान कितना गया 90 डिग्री आ गया, कितना गया 90 डिग्री आ गया। अब यहां पर इस कोण को आपको ज्ञात करना है, आपको पता है परमेय 10.8 क्या कहता है कि अगर आपका क्या है अगर आपका कि जो वृत्त खंड पर जो कोण बनता है अगर वह केंद्र से केंद्र पर जो कोण बनता है उसका क्या होता है आधा होता है, यानी क्या कहने का अर्थ है कि आपका जो आपका ए ओ सी क्या है कोण ए ओ सी यह जो होगा वो क्या होगा दोगुना होगा किसका ए डी सी का, क्या किसके कोण ए डी सी का इसका क्या होगा दोगुना होगा, क्या होगा इसका दोगुना होगा। जब यह दोगुना होगा तो हम यहां पर जिसका मान पता है उसको हम क्या कर देंगे रख देंगे। यहां पर ए ओ सी का मान कितना है यह आपका 90 डिग्री आया है और यह आपका हो जाएगा 2 × कोण ए डी सी, कितना हो जाएगा ए डी सी। अब यहां पर कोण ए डी सी बराबर आपका हो जाएगा यह आपका कटेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 45 अंश, कितना आ गया 45 अंश। यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो यह क्या लिखेंगे यहां पर यह लिख देंगे कि यह परमेय क्या है परमेय आपका 10.8 परमेय 10.8 से, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको कोई डाउट होगा एक बार रिवीजन कर देंगे क्योंकि यहां पर लाइव है नो डिस्टर्ब, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स को, आप लोग टाइप कर दें, आपके पास अभी समय है, हम यहां से थोड़ा हट जाते हैं, उधर आप देख लीजिए। अरे गधे गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग चल रहा है, गुड मॉर्निंग लिख रहे हो, इवनिंग और मॉर्निंग नहीं पता है, राम 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 राम। चलो अब हम इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, अरे नाम लिख लिया करो, इंग्लिश नोट लिखे हो, इंग्लिश नोट नाम है तुम्हारा। चलो अब इसको इरेज करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, किस पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिगर को भी थोड़ा हम यहां से इसको संशोधित कर देते हैं, संशोधित क्या करते हैं इसको इरेज ही कर देते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सभी लोग अपनी किताब में देखिए। चलो
किसी वृत्त की एक जीवा, ठीक है, यहां पर हम पहले क्या बनाएंगे सॉरी यहां पर हम एक वृत्त बनाते हैं, बन जा भाई, वृत्त नहीं बन रहा है, बताओ। यह आपका रहा वृत्त, क्या हो गया, वृत्त हो गया, अच्छा नहीं बना है फिर भी अच्छा है, ठीक। वृत्त की एक जीवा, वृत्त की क्या है, त्रिज्या के बराबर है, यानी आपका इसमें क्या है कि वृत्त की एक जीवा है जो क्या है आपका, त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। यानी यहां पर हम एक जीवा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक जीवा बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर केंद्र लगाएंगे और यह जो होगा इसके बराबर होगा, यानी यहां पर यह ओ होगा, इसको हम ए और बी सॉरी एक सेकंड, हम यहां पे थोड़ा गेट खोल दें, वेट कीजिएगा। गेट खोल लेते हैं, फिर हम बताते हैं। क्या है इसमें आपका, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है, यानी ये जीवा जो है आपका, ये दोनों आपके बराबर है, यानी दोनों, यानी ये जो तो आपका त्रिज्या है कि वृत्त का, त्रिज्या जो है इसका क्या है, बराबर है, यह आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर लिखें जो अगर ए ओ, यानी ये जो आपका त्रिज्या है वो किसके बराबर है, ए बी के, ए बी के, ये आपका जीवा त्रिज्या है और ये आपका जीवा है, दो ये दोनों आपको बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी लघु चाप, कौन सा, लघु चाप, इसमें आपको ये बताना है अगर आपका एक एक बिंदु यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, एक बिंदु यहाँ पर हो, ठीक है, और एक बिंदु आपका यहाँ पर हो, यानी यह जो आपका होगा यह दीर्घ चाप होगा, क्या होगा, यह दीर्घ चाप होगा, लेकिन नीचे वाला आपका क्या होगा, लघु चाप होगा, लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक, और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसे हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि लघु चाप अंतरित कोण, लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको यह कोण और यह कोण आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, यह दोनों कोण को ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसे थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि जनसंख्या अच्छा लगे इस देखने में, तो जल्दी से आप शेयर कीजिए, हम देखते हैं। चलो शेयर कर दीजिए। अब यहां पर अब यह आपका इसके बराबर हो गया और यह इसको, यानी तीनों भुजाएं अगर आपका क्या है, बराबर है, क्या है, तीनों भुजाएं अगर आपका बराबर है तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, जो भी आपका त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी यह भुजा बराबर, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, यहां पर क्वेश्चन नंबर आप दो लिख दीजिए, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी आपका जो है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्यों है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। अब देखिए, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो क्या होता है कि आपका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है, कितने अंश का होता है, 60 अंश का,
तो ये कोण आपका कितना हो गया 60, ये कोण कितना हो गया 60, ये कोण कितना हो गया 60, यानी यह कितना हुआ 60 अंश हुआ, कितना हुआ 60 अंश हुआ। अब देखिए जब यह कोण 60 अंश हो गया, यह आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए इसके जो प्रत्येक कोण होंगे, इसके प्रत्येक कोण जो होंगे कितने होंगे, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, यानी यह कोण कितना हुआ 60 अंश हुआ। अब जब यह 60 अंश हो गया तो यहां पर ए और इसका नाम मान लेते हैं ए बी हो गया, यह सी हो गया और यह आपका डी हो गया, यानी कोण ए सी बी क्या हो जाएगा, ए सी बी जो हो जाएगा यह वाला कोण इसका आधा होगा, यानी ए ओ बी, तो ए ओ बी यह जो होगा इस कोण का क्या, ए ओ बी जो होगा इसका दूना हो जाएगा, किसका, उसका दूना, तो यह जो होगा लिखेंगे दो कोण ए सी बी यह आपका आधा होगा और यह दूना होगा, तो इसका कोण कितना होगा 30 अंश होगा, इसका मान कितना है 60 अंश है, और यहाँ पर दो गुणे कोण ए सी बी हो जाएगा, दो से यह कटेगा तो यह कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 अंश, कोण ए सी बी यह कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया, तो यह आपका यह आया कौन सा है, ये आपका लघु चाप है, कौन सा चाप है, सॉरी ये लघु चाप नहीं है दीर्घ चाप है, कौन सा चाप है दीर्घ चाप, क्योंकि ये बड़ा वृत्तखंड है, तो यह आपका क्या हुआ लघु चाप, सॉरी दीर्घ चाप, दीर्घ चाप होगा, क्या होगा दीर्घ चाप हो गया, दीर्घ चाप हो गया कितना 30 अंश, यानी इस कोण का मान कितना आया 30 अंश आ गया, जब ये 30 अंश आ गया तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 अंश आने के बाद अब इस कोण का मान निकालना है, किसका इस कोण का, अब इस कोण का मान निकालने के लिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए सी बी डी क्या है, ए सी बी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, एक कैसा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज, कैसा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, हमने बताया था कि अगर आपका प्रमेय कौन सा है 10.11 है, इसमें क्या कहता है कि अगर आपका कोई वृत्त पर बना जो चतुर्भुज बनता है उसमें जो आपका कोण होता है वह आपका चक्रीय चतुर्भुज है, तो वह जो कोण होगा आमने सामने सम्मुख के कोण होंगे उन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, कितना होगा 180 अंश होगा, यानी अगर हम इस कोण की बात करें तो कितना होगा 180 अंश होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण ए डी बी, क्या लिखेंगे देखते हैं, हाँ दिख रहा है कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर सॉरी ए डी बी प्लस कोण ए सी बी, क्या हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर होता है 180 अंश, क्यों होता है चक्र चतुर्भुज है, अब परमेय कौन सा लगेगा, परमेय आपका लगेगा 10.11 परमेय, यहां पर परमेय क्या है कि अगर कोई वृत्त के अंदर जो आपका चतुर्भुज बनता है वो कैसा होता है चक्र चतुर्भुज होता है, ठीक, तो यहां पर यह जो कोण होगा 180 अंश होगा, अब आपको इस कोण का मान पता है किसका ए सी बी का, किसका मान ए सी बी, यानी इसका मान आपको कोण ए डी बी बराबर प्लस 30 अंश, कितना 30 अंश, यह आपका हो जाएगा 180 अंश के, कितना हो जाएगा 180 अंश के, अब यहां पर कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 30 हो जाएगा, 30 करेंगे माइनस डिग्री तो यहां पर कितना बचेगा आपका हो जाएगा 150 अंश, कितना हो जाएगा 150 अंश, तो इस कोण का मान कितना आया 150 अंश, यह कौन सा चाप है लघु चाप है, कौन सा चाप है लघु चाप, लघु चाप है, कौन सा चाप है लघु चाप है, ठीक।
अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है, क्या है इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको कहीं भी दिक्कत आता है, तो आप तुरंत आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक बार यहां पर बता देंगे आपको। चलिए कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करिए, हम अगला सवाल बताएं। चलिए कमेंट कीजिए अगर किसी को दिक्कत है, जितने लोग देख रहे हैं। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका है तीसरे नंबर का, कौन सा तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में अगर सॉरी यहां पर हमने आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मतलब जब आप लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, आपका लाइव खत्म हो जाएगा, तो यहां पर आपको हम मान लीजिए ऑफलाइन हो जाता है तो हम इसको पब्लिक कर देंगे, वीडियो प्राइवेट हो जाता है पब्लिक कर देंगे, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, या तो आप नोट करते चलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है, तीसरे में कह रहा है कि कोण पी क्यू आर, चलो फिगर बनाते हैं पहले, ये आपका फिगर बन गया, यहां पर आपका केंद्र हो गया, केंद्र क्या हो सकता है, बिल्कुल है, यहां पर हम इस प्रकार से इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं, ठीक, इसका नाम दिया है पी, इसका नाम दिया है ओ, इसका नाम दिया है आर, ठीक, और यहां एक कोण दिया है, इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक। अब इसका नाम हो गया कितना है जी, 100 अंश, कितना 100 डिग्री, इसका नाम दिया है आपका क्यू, कितना दिया है क्यू दिया है, ठीक, तो हो गया। हाँ इसको अब ऐसे यहां से मिला दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं सब दिख रहा है, दिख रहा है, चलो थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो सॉरी। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कि जहां आपका पी क्यू आर, ठीक है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, जहां ओ पी आर ज्ञात करना है, ओ पी आर यानी आपको यह वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये छोटा वाला, कौन सा छोटा वाला, अब यहां पर देखिए यह कोण ज्ञात करना है, यह कोण कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर इसको आप ज्ञात करना है तो यहां पर आपको रचना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रचना, रचना क्या करना है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, यहां पर हम इसको इस प्रकार से बढ़ा देंगे, यहां पर कोई बिंदु ले लेंगे, बिंदु आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, यहां से हम इस प्रकार से बढ़ा देते हैं, यहां पर बिंदु हो गया, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, यहां पर यम मान सकते हैं, मानते हैं आप कुछ भी दीजिएगा, यहां पर यम हो गया, ठीक है। अब यहां पर जब यम हो गया तो यहां पर आपका प्रमेय 10.11 क्या कहता है, जो अभी हमने बताया है कि अगर आपका वृत्त, आपको कोई भी चतुर्भुज है, अगर चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसके सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है, कितना होता है 180 अंश होता है, तो इस कोण का और इस कोण का योग करेंगे तो कितना होगा 180 होगा। अब देखो इसको और यह 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, यह कोण आ जाएगा, यह कोण आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो देखो यहां पर हम पहले लिखते हैं रचना, क्या लिखते हैं रचना, रचना में हम क्या लिख रहे हैं कि हमने बिंदु ए और आर से लघु चाप, ठीक है, बिंदु ए को लघु चाप में हम लिखते हैं, लघु चाप में, लघु 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 चाप में, एक सेकंड सॉरी, लघु चाप नहीं रहेगा, दीर्घ चाप रहेगा, क्या रहेगा, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप रहेगा, यहां पर दीर्घ चाप में
दीर्घ चाप में हम क्या करेंगे, दीर्घ चाप में एक बिंदु हम क्या लेंगे, यम लेंगे, क्या लेंगे, यम लेंगे, जिसे जिसे पी और आर से मिलाएंगे, जिसे पी और आर से मिलाएंगे। हमने इसको क्या किया, मिला दिया, मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जब यह कोण मिल गया तो यहां पर एक चतुर्भुज बना, कौन सा चतुर्भुज, पी क्यू आर यम। चतुर्भुज पी क्यू आर यम एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के आम सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। तो यहां पर जब 180 अंश होता है तो यहां पर लिखेंगे कोण पी क्यू आर, क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एम आर, कोण पी एम आर, यह होता है 180 अंश। क्यों होता है, प्रमेय 10.11, क्या कहता है प्रमेय, अगर आपका कोई चक्री चतुर्भुज है तो उसमें जो सम्मुख कोण होते हैं तो उन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहां पर जिस कोण का मान हमको पता है उसका रख देते हैं, कोण क्यू पता है तो कोण आपका क्यू हो गया 100 अंश, कितना हो गया 100 डिग्री, प्लस कोण पी एम आर बराबर हो गया 180 अंश के। तो यहां पर हम कोण पी एम आर कर देंगे बराबर 180 माइनस 100 अंश का, कितना हो गया 100 अंश का, 100 अंश का हो गया। तो यहां पर घटाने के बाद आपका बचता है 80 अंश, कितना 80 डिग्री। तो यहां पर यह कोण कितना हो गया 80 डिग्री। आपको यह कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि कोण पी ओ आर जो होगा इसका दूना होगा, क्या होगा, इस कोण, यह जो कोण होगा इस कोण का क्या होगा, दूना होगा। यह 80 है तो यह कितना होगा 160 होगा। तो ये प्रमेय के उनसे 10.9 के अनुसार यह आपका ये कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा 2 गुड़े कोण पी एम आर के, किसके, पी एम आर के। इसका मान कितना आया है 80 आया है, कितना आया है, एक सेकंड, पी ओ आर कितना है, पी ओ आर यही तो हमको ज्ञात करना है, सॉरी इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कोण पी ओ आर बराबर 2 गुड़े कितना है 80 है, तो कितना आएगा 160 अंश के। और यह किस क्यों कैसे होगा, अब देखिए नेट आपका खत्म होने वाला है तो हम इसको जल्द ही इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह कितना हो गया 160 हो गया, तो यहाँ पर यह कितना आया 160 अंश आ गया। ठीक, अब इस कोण को ज्ञात करना है, किस इसको कोण को ज्ञात करना है, और देखिए यह यहाँ पर OP बराबर है OR के, क्या है OP बराबर है OR के। यहां पर देखिए OP बराबर है OR के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, क्या है त्रिज्या है, वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं। तो यह बराबर हो गया, जब यह आपका बराबर हो गया तो कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपका पी ओ पी आर
कोड ओ पी आर, ओ पी आर बराबर हो जाएगा ओ आर पी के, कोड ओ आर पी के। अब देखिए यह हो गया, अब यानी इसका जितना होगा उतना ही क्या होगा इसका भी होगा। अब देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 100 योग होता है 180 अंश। तो ये इसका और इसका और इसका योग करेंगे तो कितना होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा कोण ओ पी आर, किसका ओ पी आर प्लस कोड पी ओ आर प्लस ओ कोड ओ आर पी, यह आपका कितना हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के क्या है तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है, कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यह हो गया, अब जिसका मान पता है, अब देखो यहां पर क्या हो गया, इसको आप समीकरण एक मान सकते हैं। तो यहां पर यह दोनों कोण क्या है बराबर है, इसका और इसका मान क्या है बराबर है, तो यहां पर लिख देते हैं कोण, एक सेकंड, कोण ओ पी आर प्लस क्या इसका मान पता है पी ओ आर का, पी ओ आर यानी यह कोण कितना 160 है, तो 160 अंश। अब देखिए यह कोण आपका दोनों आपस में बराबर है, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं कोण ओ आर ओ पी आर क्या है, एक सेकंड, ओ पी आर है, क्या है ओ पी आर है, ओ पी आर बराबर 180 अंश। तो यहां पर दो कोण हो जाएगा ओ पी आर, ठीक है बराबर, 180 में से 160 घटेगा तो आपको बचेगा कितना 20 अंश, कितना अंश बचेगा 20 अंश, यहाँ पर हमने घटाया तो यहाँ पर कितना होगा आपका हो जाएगा 20 अंश हो जाएगा। अब देखो जब यह 20 अंश हो गया तो यहाँ पर यह कटेगा दो से, क्या होगा दो से कटेगा, तो यह आपका कितना आ जाएगा 2 दहाइम 20, कितना आएगा 2 दहाइम 20 आएगा, यानी यह जो कोण होगा कितना होगा यह आपका 10 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बच्चा लिख रहा था, एक सेकंड देखते हैं, हाँ ये कौन लिख रहा है, एक सेकंड हट जा, हाँ हाँ यहाँ कौन लिख रहा है 360, 360 नहीं होगा बाबू 10 आएगा। चलो अब देखो यह आपका क्या हो गया, यह कोड निकल गया, चलिए अब यह कोड आपका कितना आया 10 आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, एक बार हम रिवीजन कर देंगे, वैसे इस क्वेश्चन में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत होगा तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर अगर लाइट लग रहा है, चलो हट जाओ बाबू, चलो हाँ चलिए हाँ बाबू लोग, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 4। देखिए लगता है 4 क्वेश्चन हो पाएंगे क्योंकि डाटा खत्म होने वाला है, ये 14 क्वेश्चन बता देंगे, प्रयास करेंगे 5वें को बताने का, तो हम जल्दी से इरेज करते हैं जल्द से जल्द, ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए जल्दी से खत्म, हम आपको बताने वाले, आप लोग लेट कर दिए हैं क्योंकि जल्दी देखिए, चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गया है तो आपका वीडियो कहीं थोड़ी ना जाने वाला है, आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपका पर डे आपका क्लास चलेगा 7 बजे, ठीक है। अब देखिए अभी तो क्लास 9th का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब आगे जो आने वाला समय है यहाँ पर जो भी क्लासे चलेंगी आपको लाइव चलेंगी, ठीक है, फिलहाल अभी जो 10 का बैच स्टार्ट किए हैं, सुबह को स्टार्ट किए हैं, समय अभी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो प्रयास करेंगे उसे हम सुधारेंगे, नेट को प्रॉब्लम आपके शिक्षा के बीच में ना आए, ठीक है, आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी तैयारी बनी रहेगी, आपका अब आपकी क्लास जो होगा वो 9 बजे पर डे चलेगा, कितने बजे चलेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान देना 7 बजे आपका पर डे क्लास चलेगा, अगर कोई कारण से छूट जाता है क्लास नहीं हो पाता है तो आपको मैसेज के द्वारा
बता दिया जाएगा। एक हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। अगर आप फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कहाँ गया बुक हमारा? चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो। तीन क्वेश्चन हो गया, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है? एक वृत्त दिया है, ठीक है, एक वृत्त दिया है। अब इसमें एक भुजा है इस प्रकार से, बी है और ये क्या है, सी है, बी है और सी है। अब यहां पर एक बिंदु है और यहां पर एक बिंदु है, इसको यहां मिलाया गया और इसको यहां से मिलाया गया, और इसको इस भाई साहब से मिला दिया गया, इसको इन भाई साहब से मिला दिया गया। इसका नाम ए रख दिया गया है और इसका नाम डी रख दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से नाम रख दिए गए हैं। अब देखिए यह जो आपका है, यह वाला कोण, कोण बी 69 है, कितना है, 69 डिग्री है, ठीक है। और यह वाले जनाम जो छोटे वाले कोण हैं बी सी ए, इनका जो नाप दिया गया है 31 डिग्री नाप दिया गया है, ठीक है। ये जनाम छोटे हैं तो इनका नाम इतना दिया गया है। तो आपको बताना है कोण बी डी सी, बी डी सी लड़ रहे हैं सर, बी डी सी यह वाला कोण, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, यह वाला कोण बताना है। हाँ चलिए, यहां पर देखिए आपको यह वाला कोण बताना है, तो क्या करेंगे कि हाँ 7 बजे चलेगा पर डे। देखो यह वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, परमेय 10.8 से, ठीक है। अब यह वाला जब कोण इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको ज्ञात करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहां पर देखिए यह वाला कोण 69 है, यह वाला 31 है, ठीक है, यह वाला कोण आपको ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज के नियम लगाएंगे, त्रिभुज के तीन कोणों का योग का कितना होता है, 180 अंश, 180 अंश में से यही दोनों घटा दीजिए तो आएगा कितना, आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तुलना कर दीजिएगा, आ गया। चलिए लगाते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए बी ए बी सी क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, लिखो भाई साहब, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी कितना है, सीधे लिखते हैं, चलो ठीक है, कोण यहां पर सीधे लिख देते हैं, कोण बी क्या लिखते हैं, कोण बी, नहीं डिफर हो जाएगा, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, बी सी ए हो गया और कोण सी ए बी हो गया, क्या हो गया, कोण सी बी ए, ये कितना होगा, 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 अंश होता है, यही नियम लगा रहे हैं। चलो जिसका मान पता है उसका मान रख दो बेचारे को, इसका मान पता है कोण बी का, हाँ यहाँ पर है 69 है, इसको रख दो, प्लस कोण बी सी ए कितना है, कहाँ है बी सी ए, यह वाले 31 जनी ताक रहे हैं, 31 डिग्री, प्लस सी बी ए, सी बी ए कहाँ है, यह वाला, इनका मान ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं, तो कोण सी बी ए यह कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा, इसको जोड़िए, 9 × 1 = 10 होता है, 6 × 3 = 9 = 10 होता है, 100 जन हो गए हैं, 100 डिग्री, और यहाँ पर प्लस कोण सी बी ए बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गए, तो यहाँ पर आपका कोण सी बी ए, ये छोटा हो गया, सी बी ए बराबर 180 अंश माइनस 100, कितना बचा 80 अंश के, यह एक सेकंड, और 180 लिख रहे हैं, 80 अंश के, तो यह कितना आया, यह कोण आ गया आपका 80 अंश। अब देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब एक सेकंड क्या लिख रहे बाबू, हाँ सही है, 80 अंश के, यह कोण 80 आया तो यह कोण कितना होगा, 80 होगा, चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, सही बन जा, बी ए सी बराबर कोण
बी डी सी के कोण, बी डी सी के, यह क्यों होगा? क्योंकि एक वृत्त, एक ही वृत्तखंड के बने कोण हैं। तो सीधे लिखते हैं, एक ही वृत्त खंड के कोण हैं। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, देख लेते हैं हम अपने वाले में। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, अगली बार से बचा के रखिएगा। अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग सुबह को खाली रहते होंगे सुबह को लाइव कर देंगे। क्लियरिटी थोड़ा कम कर लो, 240 करो, ऑप्शन तो दे रहा होगा, 240 पे भी अच्छा दिख रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा होगा, तो हम चाक, अपना जो चाक है इसको डार्क कर लेते हैं। चलो लगता है एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने 6 क्वेश्चन कहे थे लेकिन 5 क्वेश्चन तक हम निपटारा करेंगे, अगले वीडियो में सब बाकी को क्वेश्चन निपटारा कर देंगे। चलिए इसको देख लीजिए, अगर किसको कोई दिक्कत है। चलो मिटाते हैं इसको, हम इरेज करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, अगर नोट कर रहे होंगे, तब तक हम फिगर यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपना। चलिए चलिए देखते हैं कि इतना जो पढ़ाया गया है इसमें आप इसका आंसर कितना करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, तो आपको बताना है कोण किसका मान, बी ए सी, यानी बी ए सी, इस कोण का मान बताना है। किस कोण का, इस कोण का मान बताना है, तो देखते हैं आप कैसे बताते हैं। चलिए देखते हैं कौन आंसर कोई करता है, चलिए कीजिए, हम देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। इसमें देखिए कोई ज्यादा लंबी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है ये देखिए। चलो कोई आंसर नहीं दिया, कोई बात, आ गया 110 आएगा, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं, अच्छी बात है राहुल क्वेश्चन का जवाब दिए हो। चलो 110 आता है, हम देख लेते हैं 110 आएगा, चलो अभी देख चेक लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि इस कोण का मान ज्ञात करना है, किसका, इस कोण का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो
यहाँ पर अगर हम इस कोड को ज्ञात कर लें तो कह देंगे कि यह क्या है, इसके बराबर है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो कोड बन रहा है 22 कोड बन रहा है, कौन सा कोड बन रहा है, लाइक दो ही लोग किए हो, थोड़ा लाइक बढ़ाओ, दोस्तों को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करवाओ। अब देखो ये कोड आपका ज्ञात करना है, ठीक। इस कोड को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होगे कि यह एक त्रिभुज बन रहा होगा, यह क्या बन रहा होगा, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यह जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी, इसका कोई नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं डी दे देते हैं, डी है, डी है, ओ दे देते हैं, जब ओ का नाम नहीं आपका दिया है तो ओ दे देते हैं। एक सेकंड, कौन मैसेज किया है, राहुल, चलो ठीक है, देवेंद्र, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 22 कोड का नियम लगाएंगे, यह जो कोड होगा इन दोनों कोड के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोड ये कौन सा है, बी है, बी ओ सी, तो लिखते हैं कोड बी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों कोड के योग के बराबर होगा। तो देख, तो देख लो आपका ओ बी डी सी किसके, कोण बी डी सी प्लस कोण डी सी ओ किसके, कोण डी सी ओ, इन दोनों कोण के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम मान रखते हैं, तो यहां पर यह आपका 30 है, यह बी डी सी सी है बाबू, है ही है कोण, 30 अंश है, और इसका मान हो जाएगा बी डी सी प्लस, अब है इनका मान कितना है, 130 अंश है, यही तो आज़ादी है। अब देखिए 100 MB बचा है, जल्दी से ख़त्म करते हैं, 100 MB में जो होता है जल्दी से हम लगाते हैं, ठीक है। अब यह हो गया, आप इसको घटाते हैं, एक सेकंड, और एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ 20 है, यहाँ पर हमने 30 कर रखा है, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह घटेगा तो यह आपका कितना आ जाएगा, 110 अंश आ जाएगा। तो कोण बी डी सी बराबर, बराबर नहीं, ये आपका आ जाएगा 110 अंश। तो यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के, यह आपका किस कोण से, सीधे लिखते हैं प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय कौन सा है, 10.2 आपका 2 हो जाएगा, कौन सा, 10.8 हो जाएगा जी, 9 है प्रमेय, 10.9 से आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका 110 अंश हो जाएगा। यह बी डी सी कितना है, 110 अंश हो जाएगा कोड बी ए सी, ये आपका हो गया। अब देखिए आपका क्लासेस पर डे 7 PM पे चलेंगी, आप अपने दोस्तों को भी ले आइए और सब्सक्राइब कराइए, और यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको पर डे मिलेंगी, नो वीडियो ओनली फॉर लाइव आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपके लिए धन्यवाद क्योंकि आप लोग 4, 5, 6 तक आपने लाइव पहुंचाया, 3 लाइव दियाया, धन्यवाद आप लोगों का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे इसी समय, और इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट।